गाइस आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं समझे मौके। तो सुबह के ना 7:30 अभी नहीं बजे है, तन्नू तैयार हो चुकी है दही पी के, और मेरे को सूती नहीं जने थोड़ी सी दही दे दी, मैंने मुंह बींद होया अभी तक कितने सुगले के मैं पीने वाली थी, तने धक्का से कर ली के मेरे नहीं उठे नहीं आप उठ सके ये बता अच्छा चाबी गाइस गेट की ओ इधर गाइस मैंने काम मैंने बस थोड़ा सा ही रह गया कर तो लिया, झाड़ू निकाल लिया, थोड़ी सी चाय पी है और मैं बैठी हूँ। जब से मैं कर रही हूँ रीना की लड़की से बात, क्योंकि रीना बहुत ज़्यादा सीरियस है, इतना दुख आ रहा है ना बार बार, इतना दुख आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीना बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, उसको उल्टियाँ ही नहीं बंद हो रही है, और उसको आपको पता ही है कि उसको कैंसर भी है, और उसके हालात देख कर इतनी इतनी आत्मा दुखी पा रही है कि क्योंकि उसकी बेटा बेटी है ना, माँ ना बाप भी नहीं है, ना दादा है ना दादी है, कुछ भी नहीं है, वो नानी के घर रहती है। और बस मैं तो यही दुआ करो, आप भी यही दुआ करो कि रीना जल्दी से ठीक हो जाए, उसको देख के ना बहुत जी दुखी हो रहा है, क्योंकि 4 दिन से बहुत तड़प रही है, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है, और कुछ भी बीमारी आगे नहीं आ रही, क्योंकि कैंसर थी वो भी नहीं दिखा रहा, तो भाई पेट में कैंसर है, और फिर भी उसकी उल्टी बंद नहीं हो रही, और ये तड़प रही, सपना पैर गई खाई गई खाई गई, ना वो किसी से बात कर रही, ना वो बोल रही, ना चल रही, और एमरजेंसी में आईसीयू में है वो। और बस मैं तो यही प्रे कर रही हूँ, और आप भी यही प्रे करो कि जल्दी सीरीना ठीक होकर घर आ जाए भाई, बस छोटे छोटे बच्चे कैसे काम चलेगा उसका बेचारी। सारा काम कंप्लीट हो चुका और मैं नहा भी चुकी हूँ, जोत बत्ती कर दी, और मैंने अब आके रोटी रख रखी है मेरी, परांठे परांठे और दही, क्योंकि शाम को सब्जी बनाती, शाम को गर्म गर्म खा लेती तन्नू, ठंडी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाती, शाम को बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी, और अब दही पी के गई है जैसे कि खांड गिर के, और दही पी के सुबह सुबह चली जाती है, अब दही है उसका रायता बना के रख दिया उसका, और रायता खा लेगी रोटी खा लेगी बस, है ना। मैंने रोटी खाई यार, बार बार मेरा माइक बंद हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था ये, मैंने दूसरा माइक लगाया है, और मैं अब जा रही थी शॉप पे, मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, जो कि मुझे डॉक्टर ने ये ना सनस्क्रीन दी है, जो कि 3-4 बार दिन में लगानी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, फिर बंद हो गया क्या ना चल रहा है, 3-4 बार लगानी, हर एक दिया था फेस वॉश, जिससे 3 बार फेस वॉश करना है और ये करनी है, क्योंकि इधर से ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था सिलाई के कारण, उसने कहा कि ये यूज करो, और बाहर जब भी निकलोगे ना आपका धूप का काम है, आप डाठा मार के निकलते हैं तो ये चीज़ ब्लैक ब्लैक हो जाने लग रही है ना, तो आप ये लगाओ 3-3 बार, तो मैंने ये यूज़ किया, 4 दिन हो गए, तो आपको मेरा फेस दिख ही रहा होगा, 3-4 दिन से बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो आप भी ले लीजिए ये नाम पढ़ लीजिए। तो गाइज मैं आई हूँ घर, क्योंकि है ना दुकान की सफाई करके, और बिजली वाले का फ़ोन आ गया कि बहन जी मैं आ रहा हूँ, तो बिजली वाला लग रहा है, उसकी लाइट लूट दिखाऊंगी, और के यार 7 दिन टप गया, 12 तो बच चुके, बिजली वाले का वेट कर करके कल भी वेट किया था, आज भी वेट किया था, और अब उसका फ़ोन आ गया कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो देखो कितनी देर में आएगा, जब बताएगा क्या फॉल्ट है कुछ चीज़ में क्या कुछ है, और उसके बाद फिर बिजली बोर्ड में से भी मैंने मोनिका से बात की है, और मोनिका को लेकर बिजली बोर्ड में जाऊँगी, तो एक खुशखबरी दे देते हैं आपको, हमारी लाइट में कोई फॉल्ट नहीं मिला, अभी नहीं पता कुछ भी, क्योंकि है ना आज तो इतनी मिस्टेक होगी, पोपट हो गया हमारे साथ, बहुत ही बड़ा पोपट, जो बिल था ना वो हमारे पिछली पड़ोसन का भी नाम था, वही नाम मेरा वही नाम पड़ोसन का, वो बिल है ना उनका हमारे घर में आ गया, फिर मैंने के देखा कि मैंने एक काम देखा कि मखा बैठी बैठी मैंने मखा बिजली आओ ना बिजली वाला आए ना इतना नोन तू चेक कर ले भाई नाम वगैरह, मैंने मोबाइल नंबर देखा, मैं मोबाइल नंबर तो मेरा नहीं है भाई इस पर, और किसी का है, मैंने नंबर डायल कराया तो सीधा निकला हमारी पड़ोसन का, मैंने फ़ोन कराया मैं कहा तुम्हारा बिल कड़ा निकली मेरे पास, मैं कहा तारा बिल भी तारा दो रहा है, दूसरा बिल भी मारा दो रहा है, तो लेकर जा दनू, तो आए यार इतनी खुशखबरी है कि वो 18,000 मेरा बिल नहीं था, वो किसी और का था, आज तो मेरा इतना दिमाग खराब होता, मैं कहा जो 18,000 बनने पड़ गए ना, मैं तो लड़ाई करके आती है भाई सच्ची बताऊँ, मैंने सोच लिया था कि मैं ना बिजली बोर्ड में लड़ाई करके आऊँगी, क्योंकि कि मैं कुछ तो यूज़ नहीं कर रहे हम, जिसका घर मैंने उन्होंने सोच रहा दिन रात सब कुछ चला ना उसका घर में 5,000 भी ला, और मेरे घर में 18,000 किस तरह है, फिर मैंने बिजली बोर्ड में फ़ोन कराया, मैंने लीजिए इन्होंने बात है, उन्होंने बोला आप ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता, 2 महीने से पहले बिल आ गया, मुखा जी मेरा तो महीना भी को नहीं होया है, 20 दिन सारे हुए हैं, नोला जी आप गौर से देखो आपका बिल नहीं मिलेगा, मैंने घर आकर देखा तो फिर वही काम मिला भाई, बस बच गया 18,000 से हम, और वो साइड वाले का था, तो अब आएगा हमारा 2 महीने का बिल, 1 महीना तो 20 दिन हो गए ना, 25 दिन हो गए, तो 1 महीने के बाद हो रहेगा, फिर पता चलेगा कि बिजली का काम, वैसे बिजली वाला चेक तो करके चला गया तो कुछ भी नहीं पाया कुछ भी, तो उस दिन और देखेंगे 2 महीने के बाद कितना बिल आएगा कितना नहीं, सुबह से पागल हो रही हूँ मैं 8 बजे से, कभी बिजली वाला बुलाया हूँ कदे बिल देखूँ कदे नू दे जेई के पास फ़ोन करूँ, मगा भाई पंगे हो गए तो,
इस लड़की ने ना पता नहीं क्या पंगे रच रखे शाम के 7 बजे के नूली घर पे चलो सरप्राइज देऊंगी मन नू लगा घर की कुछ चीज ने तोड़ के आई है क्या तोड़ के आई है थोड़ा सा बता दे इट दे दे मैं गुस्सा नहीं करूंगी अलमारी से रिलेटेड है देख रहे इतनी चीज रच से अभी रैपटा मारोगे जैसे तो फिर भी अरे बता नहीं का क्या फायदा घर जाके देख ही लेना अलमारी में कुछ करे ही देख लेना जाके ठंडाया ही जाके देख लेना ना भाई गाइस जय इसे ना कुछ कर रखा होगा ना मैं इसको इतना मारूंगी बहुत ज्यादा क्या कर रहा है कुछ नहीं तने ये लोग तो कौन बताई बहुत बताई है आप बीजी थे जब मैं जाते कभी गुस्सा करे मम्मी है ना नहीं तो अच्छी चीज है बताती हूं मैं अच्छी चीज है फिर घर जाके देख लेना भाई मेरा ही बहना तू बता दे तो घर जल्दी चले इसी बारे में सस्पेंस ना रखा है क्या बताऊं परसों ना बिल्कुल भी देखना मिस मत करे सरप्राइज एक और है बहुत तकड़े वाला तो गाइस स्टोरी का सरप्राइज उन्होंने बता दिया एक सरप्राइज और है बट अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कंफर्म हो जाएगा ना बिल्कुल हाँ डन एंड फाइनल जब आपको बताऊंगी नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे आप लोग झूठ बोलते हो आप लोग कंफर्म कर दे करते हो मेरी बात सुन फोन में ले आती हूँ किस तो गाइस मैं हर किसी की नहीं एक दो बंदे वो बोलते सिर्फ आप प्लीज बुरा मत मानना हमारी जो पब्लिक है लिटरली बहुत अच्छी है अच्छी पब्लिक है बहुत अच्छी है और कोई शिकायत नहीं हमें पब्लिक से तो बहुत अच्छी है प्यार है बस हाँ तो तनु ये बताएगी इसका सरप्राइज है इसने बहुत क्या सोचा है इसकी मर्जी है भाई क्या सोचेगी क्या नहीं ये कह रही घर चलो बेटा मत जब उस तोड़ रखा हुआ तनु मेरा गुस्सा ना जगा दियो तो गाइस आज मम्मी का गुस्सा देखना सभी बोलते ना तेरी मम्मी इतनी शरीफ तेरी मम्मी इतनी शरीफ देख लेना मेरी माँ कितनी शरीफ आज मम्मी अपनी पर्स दुकान पे बुलाई और आते साथ हमें एक न्यूज मिलने को मिली यहाँ पे फ्लाइवर वाला जो अंकल है ना उनको किसी मक्खी ने काट लिया और उनके पूरे शरीर में बाइट आ गए जो वो जो देखो मट्टी लग रही है ना जो ये इसमें ना बच्चे भी आ रहे हैं वो जो मट्टी लग रही है ना वो हर उसने काट दिया रे उन्होंने कपड़ा लग रहा था उल्ली बेबे बेबे स्कूटी दे दे मखा भाई मैं ले चलूंगी तीन देर मोटो आएगा वो ऑटो में लेगा गया कुछ नहीं पता गाइस हर चीज से बच करो मन मैं तो 3-4 दिन हो कोई भी चीज कैसे भी किसी भी तरह हानिकारक हो सकती है यार पता है कितनी देर में असर किया उस मक्खी ने 2 घंटे के बाद असर किया और वो ना सारा काम रहा था मेरा नुहर कभी है ना नहीं पड़े तो फिर शरीर काम नहीं करेगा हर चीज से बच के रहो मुझे तो देखो डर लगता है क्योंकि मारते इधर बहुत कुछ है चीज है बहुत कुछ है बस मैं तो जोत लगाती हूँ दादी गोरी की जब थोड़ा सा मैंने 2 दिन बिच्छू दिखे ना मैंने माई से कहा माई बिच्छू ही ना दिखा मैं तो मर ही जाऊंगी मंदिर खा जाए कुछ तोड़े की तो तोड़े के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकती खोल इसके अंदर सेट कर दी मेरी अलमारी फिर मैं इतना जल्दी दिमाग कैसे आ गया दिमाग तो बहुत है इस तरह के 4 बॉक्स मंगवाए ना 3 और मंगाए हैं तीन और मंगवाया गाइस हमने ये बॉक्स वो भी मेरे पैसों के लिए पैसों में मंगवाया पैसों के लिए नहीं पैसों की मंगवाया हमने वो तो देखो कोलैब के नहीं है वो हमारे पैसों की है हमने 4-3 मंगवाए हैं कब आएंगे वो पता नहीं आ रही है ना जहाँ आ रही है ना बट अभी स्वेल फील हुई है मुझे स्वेल कह रही हूँ तो तन्नू सब कुछ छोड़ दे बेटा इस चीज को सेट कर दे कैसे करूँ तेरे चीज मेरी चीज तो मैं एक बॉक्स मंगवा रही हूँ बुकशेल्फ तो गाइस ये खुशखबरी भी सुनाने वाली सारी खुशखबरी आज देंगे फिर देंगे ये बता दो क्या खुशखबरी आप है एक खुशखबरी है गाइस बस रहने दो ये खुशखबरी अरे नहीं नहीं रहने दो भाई रहने दो मेरा ही है पता है तभी तो कह रही रहने दो यहाँ पर मैंने रेडी करे हैं चावल एक नंबर के ये मैंने खुद बनाए भाई सब कुछ इसमें क्या डालेंगे है ना कुछ डाल लेंगे इसको अच्छे से मैं सोच रही हूँ कागज वगैरह लगा के आपके लिपस्टिक वगैरह रख दी उसे साफ करके इतनी भर भर के लिपस्टिक हो रही है आपके पास ओ हो रही हाँ कन्नू को भी खिला दो तो गाइस ये देखो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो बता देना मैंने बनाए हैं सब्जी वगैरह सब कुछ मैंने काटा है सब कुछ एवरीथिंग इधर आप देख सकते हो मम्मी अभी क्या पंगे कर रही है ये देखो पंगे क्या होते हैं सारे में पता नहीं अपने अपने रखे ना कीड़े लगे और मम्मी अभी ठीक करे ने अब
अभी थोड़े से झाड़ के फिर रख के आएंगे ना ऊपर धूप में कल, वो करेंगे, वो लेके आएंगे। तो इधर पूरा मंदिर हो चुका है सेट, ये आप देख सकते हो। और बस अब तो कुछ नहीं रहा, कल करेंगे गणेश चतुर्थी, कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के लिए लाएंगे हम लड्डू, लेके आएंगे। मोदक तो मिलते ही नहीं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है मोदक फेवरेट होते हैं ना गणपति जी के, मोदक यहाँ पे मिलते नहीं है, क्या मोदक होते है पूछने पड़ेंगे, मिल तो जाएंगे वैसे उसके रखे जा वाले के। तनु ये कैसे साफ होएगा बेटा, क्या बताऊं इसके अंदर दाल पड़ी है, मैं कैसे साफ करूं इसको। अगर आ गई है एक चूहिया जो कि पकड़ी नहीं जा रही, ये देख लो फ्रिज के अंदर घुस गई है, पता नहीं कहां गई। और चूहिया आ जाती है ना जब मेरे को इतनी टेंशन हो जाती, सारी चीजें कट कट के रख देती। आज मुझे दो है ना उसी पोटी में, तो मेरे को टेंशन हो गई थी, मकान सारी चीजें काट के रख देगी। और छोटी सी है, कल पिंजरा लेके आना पड़ेगा इसका जुगाड़ करने के लिए। तो फटाफट दूध पी लेते, थोड़ी सी फाकी लेंगी जो पेट की है वो लेके, और फिर सोएंगे। गाइस इधर है ना, मैंने धोखा रख दिया क्योंकि सुबह ना सूखा मिलेगा बिल्कुल एकदम, मैंने इसमें दाने समझ में नहीं आए थे मैं कैसे निकालू, फिर मैंने मुद्दा कर ना सारे ही दाने निकाल गए और ये धोखे रख दिया। और देख लो सारी ही पैड़ियों में ना मैंने ये रख दिया निकाल निकाल के, लक्ष्मण रेखा लगा लगा के, ताकि मैं सुबह सुबह ना ऊपर सुखाया हूँ। और ये देख लो पढ़ने की बजाय देखो क्या कर रही है, आज याद आ गई पढ़ लेना कल पेपर है, फिर है तो सर। और गुड़िया दिखाई तेरी एक बार, गुड़िया का लगी हुई देख लो, ये देख लो, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, कोई नहीं बात।